संभल में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि पुलिस टीम पर ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम ने भागकर अपनी जान बचाई। खनन माफियाओं द्वारा अवैध रूप से बालू खनन करके लाया जा रहा था। वहीं पुलिस ने दो आरोपियों सहित दो ट्रकों को हिरासत में ले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद संभल में इन दिनों खनन माफिया दबंगई की सारे हद पार कर रहे हैं। ताजा मामला धनारी थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो खनन माफिया हरीश और देविंदर अवैध बालू का खनन करके चंदौसी की ओर आ रहे हैं। इसी सूचना पर पुलिस ने भकरौली के पास रोड पर बैरिक लगा दिया। वहीं जब खनन माफियाओं ने अपने आप को गिरता देखा तो पुलिस टीम पर ही ट्रक चढ़ा दिया। पुलिस ने बामुश्किल अपनी जान बचाई। फिलहाल पुलिस ने मौके से दो बालू भरे ट्रक पकड़े हैं। वहीं एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। संभल से न्यूज 7 के लिए फराज अंसारी की रिपोर्ट। आज दिनांक 9/4/18 को मैं सचिव अता मोहम्मद, मैं अपनी पुलिस टीम कांस्टेबल विनोद कुमार, रविंद्र कुमार, मानवीर के गश्त में मामूर था। उधरमपुर पर मुखबिर ने सूचना दी थी कि दो अवैध बालू भरे माफियाओं के खनन के ट्रक आ रहे हैं, जल्दी करोगे तो पकड़े जा सकते हैं। हम लोगों ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि भकरौली से किधर ना मुड़ जाए, भकरौली चौराहे पर जाकर चेकिंग की। जैसे ही ना रोकना चाहा तो ये नहीं रुके, हमने इनके आगे बैरियर लड़ा दिया। वो जान से मारने की नियत से हम पुलिस वालों पर दोनों ने सलाह की और ट्रक चढ़ा कर लेकर भागने लगे। हम हिकमत अमली पुलिस प्रशिक्षण स्टैंडिंग से शिकायत तरीके से बच गए। तो अगले ट्रक में हरीश सनफ स्वराज माफिया का लड़का चला रहा था, जिसको हमने मौके से पकड़ लिया। और दूसरा माफिया देविंदर सनफ बाबूराम इसमपुर मौके से भाग गया, उसका पीछा किया गया। रविंदर और मानवीर के द्वारा कड़ी फसल व रात्रि का समय होने के कारण भागने में सफल रहा। दोनों ट्रक और वह हरीश को जो स्वराज माफिया का लड़का है, जो दो महापुर मैंने इससे पहले दो ट्रैक्टर ट्रोला इनके पकड़े थे और वे लाकर थाने पर सीज किए थे। तो ये लोग बराबर कुछ दिनों के लिए रुक गए थे, फिर सूचना मिली थी कि ये माफिया लोग फिर बालू इधर गन्नौर की तरफ से ला रहे हैं और चंदौसी में बेचते हैं। ये अब भी अपना कारोबार कर रहे हैं। तो दो ट्रक मौके से लाकर और एक हरीश ड्राइवर जो स्वराज माफिया का लड़का है थाने लाकर दाखिल किया है।